और महाराष्ट्र सरकार पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा प्रहार किया। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता पर चोर और लफंगे बैठे हैं, महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, संजय राउत का ये कहना है। सीधे सीधे बड़ा प्रहार, कई बार अपनी जुबान के चलते काफी मुश्किलों में रहे हैं संजय राउत, लेकिन अगर वो ये सब नहीं बोलेंगे तो उनके स्टाइल पर भी इससे फर्क पड़ेगा। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वो चोर हैं, लफंगे हैं। महाराष्ट्र में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है, महाराष्ट्र की सत्ता पर जिस तरह से बेईमान चोर और लफंगे बैठे हैं उनके खिलाफ हम सब लोग शिवसेना न्यायालय में चली गई है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है और हमें विश्वास है जिस तरह की सुनवाई चल रही है हमें न्याय मिलेगा। सर हरीश सालवे जी का बयान उसमें सामने आया था, हरीश सालवे जी का बयान कोर्ट में होगा, हरीश सालवे यानी न्यायालय नहीं या कोर्ट नहीं।